हेलो एवरीवन, मैं नमसा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा विशा। आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से यार, आपसे इतना मैं नाराज हूँ ना कि आप सब ने हमारे चैनल को शेयर नहीं किया। आपसे रिक्वेस्ट है, जो आप वीडियोस देखना चाहते हैं उन्हीं पे हम रिएक्शन देते हैं, फिर भी आप जो है हमारी वीडियोज को शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से मतलब 90% जो लोग है ना वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही शेयर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है शेयर कीजिए। आज की वीडियो लेकर आए हैं, इसमें हम देखने वाले एक है इंडियन और एक है भाई यूरोप से लड़की आई है, वो उनका मतलब जो हिंदुओं के रीति रिवाज होते हैं ना उसके साथ उनकी शादी होने वाली है। आज उनकी हम शादी देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। वीडियो का अंत तक देखना क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं ऐसा देखा, फर्स्ट टाइम देखने वाली हूँ। मजा आएगा अम्मी? बहुत ज्यादा मजा आएगा, मजा आएगा। हाँ, देखते हैं आज की वीडियो से। Looks clean. घर में वेलकम कर रहे हैं। यार ये बड़ा मुश्किल है लहंगे को संभाल, ये घर में लक्ष्मी आई है ना, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, इनको एक थाली के ऊपर दूसरी थाली हाथ लगाती हूँ। Thank you.
सारे की सारे रसूमात जो है वो घर में एंटर करके सारा बना तो मंदिर लग रहा है। ये क्या है? इन सबको सोटियां मारनी है, इनको ये होगी रसम भाई। ओ ओ, ओ, ओ लूसी ना, लूसी पता नहीं लूसी आएगा। अभी इनको मारना है। वो कहाँ कर दी? हाँ हम तो लाया मुंडा आ गया ना, हम इन लोग जन्नी हैं सोतिया। इधर आया ना जरा तू। ये अब अंगूठी ढूंढने वाला सिस्टम होने लगा है। तो ये तो इजीली मिल जाएगा ना। नहीं मिल रहा, ये सही सिस्टम है। अंगूठी मिल गई है, उसका मिल गई है। और गिला बने वे चौक का गाने भी सुती है ना। ओए नहीं अंगूठी सुती है ना, खतरा करते हैं वो भी था खोल दिया कुल और दी मोटर खोल ली और तो खुला नहीं दही और खोल गई।
जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो, बड़ी जबरदस्त किस्म की वीडियो थी, बहुत ज्यादा मजा आया। ऐसा लग रहा था मैं इनकी शादी में ना शामिल है और इनकी शादी को एंजॉय कर रहे हैं। सही बात है, मुझे खुद ऐसा ही फील हो रहा है। हाँ मतलब हम सब मिलकर इस शादी को एंजॉय कर रहे थे और सच में कितनी प्यारी दुल्हन लग रही थी। जो लड़की होती है ना वो लाल जोड़े में बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है ना, बहुत ही। मेरी अम्मी मुझे कहती है कि मेरी अम्मी की शादी में तो अम्मी ने कोई भी जोड़ा, वो तो ऐसे निकाह हो गया था। ऐसे ही चली। तो अम्मी कोई आपको शौक नहीं था कि मुझे भी लहंगा पहनना है या पता ही नहीं उम्र बचपन में ही, मतलब 15-16 साल की उम्र में शादी होगी और पता ही नहीं था इन चीजों का। वो बंदा मासूम, अभी तो 14-15 साल के बच्चे इतने ज्यादा होशियार हो गए हैं, लेकिन अभी जो है ना मतलब पहले पता था, पहले कुछ पता नहीं था होता। और ये जो शादी देख के ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उन्होंने हर रस्म की, हर मतलब रस्म को पूरा किया और वो जो अंग्रेज हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी इंडियन रस्मात के साथ। मतलब सारा जो उनका कल्चर है ना उसको अपना के उन्होंने शादी की, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वो अंगूठी वाली जो एक रस्म है ना वो बड़ी अच्छी लगती है। पाकिस्तान में भी अब तो होती है, पहले नहीं थी होती। पाकिस्तान में भी अब ये अंगूठी पहनते हैं और बोलते हैं जिसने अंगूठी ढूंढ ली ना पहले तो वो मतलब उसका ज्यादा रोब होगा, ऐसा कुछ सीन होता है। और फिर जब घर में लड़की आती है वो फिर वो होता है ना मतलब पांव रख के रेड रेड वाला सारा, वो बोलते हैं कि लक्ष्मी आई है घर में, फिर हाथ भी लगाते हैं इस तरह से। ये सारी रस्मात जो है पूरी की है। हाँ पूरी की। और वो जो डंडे वाला सिस्टम था ना वो सोटिया मारने वाला वो नहीं समझ में आया हमें वो क्या था। वो बता तो बताया हमें यार वो क्या है, क्योंकि वो कभी नहीं मैंने देखा। फर्स्ट टाइम आज मैंने देखा कि इस तरह से ना वो हो रहा था, सभी फैमिली मेंबर मिलकर एक दूसरे को इस तरह से लगा रहे थे। पता नहीं क्या सिस्टम है, वो जरूर बताइएगा। लेकिन ये देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है एक और वीडियो। थैंक यू।